हेलो फ्रेंड्स, मु मंटू आपण मानको ऑल इन वन चैनल रे स्वागत करुची। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो रे आपण माने चतुर्थ श्रेणी रो संध्या पद्य विषय रे जानि परिबे। मु एई वीडियो माध्यम रे आपण मानको संध्या पद रो माने संध्या पद्य रो आवृत्ति केमती करा जाय आउ तहार भावार्थ मध्य मु अत्यंत सरल भाषा रे बुझै दै छी। ए वीडियो टी कुनी कुनी पिला मानको पई विशेष उपयोगी हेबो बोली मु आशा करछी। तेनो ए वीडियो टी को शेष जें देखंतु आउ ए वीडियो जदि भल लागबो त लाइक शेयर कर दंतु आउ हमर चैनल को जदि सब्सक्राइब करना एमती नुआ नुआ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फ्रेंड्स, वर्तमान चलतु से पाठटी आरंभ करवा। तो पाने आज आम तुम चतुर्थ श्रेणीर संध्या पद्य पढ़वा किए लिखिंट मधुसूदन राव लिखिं। तो पाने देखु मु बर्तमान गोटे पर गोटे प्रति पद को मु आवृत्ति करी तापर आवृत्ति करार भावार्थ बुझे दे। तो ये भिडियोटी बिना स्किप करके सजाएं देखु था आउ ए संध्या पाठ विषय आपण मैंने किसी ना कि अवगत हूँ। तो वर्तमान चलतु से भिडियोटी मु गान कर देखा। तो पाने देखु मो संध्या कविता को केमती आवृत्ति करुच्ची। तो आपण मैंने सेमती आवृत्ति करेंगे आउ ताठू भल आवृत्ति कले आहरी भल कथा। मु गोटे स्वर बाछी हुए तो तुम मानक भल लगे मुझे आशा करी। तुम्हें आहरी अन्य गीतर स्वर से जदि गाइब ताले बहुत बढ़िया। तो देखो मुँ गई अस्त है दिन मणि दिन है शेष आस रजनी राणी धरी कला बेश संध्या है बोली पक्षी गण राव दे जे जावा से करती गमन। तो पाने एमती हिसाब से यही संध्या पाठटी मुझे गान कर आउ ए गान करने सहित मु जो कवितार भावार्थ मध्य आपण मानक बुझेदेवि तार अर्थ मध्य मु अत्यंत सरल भाषा बुझेदेवि। तो आपण मैंने भिडियोटी शेष जाए देखु था। अस्त है दिन मणि दिन है शेष आस रजनी राणी धरी कला बेश। तो पाने यार अर्थ है जे दिनमणि दिनमणिर अर्थ सूर्य सूर्य बोले तुम्हें मैंने देखि थ से सूर्य को दिनमणि कहती आउ रजनी रजनी बेले हूँ राति अस्त हेले दिनमणि दिन है शेष। तो आम जानी सूर्य पूर्व दिगरे उदय हमें सका आते बिल संध्या हुए से बिल अस्त हो जाती अस्त परे परे आम पृथ्वी रे अंधार घटी जाए अंधार देखा दिए। तो से कवि मधुसूदन राव कौन कहते ना अस्त हेले दिनमणि दिन है शेष आसई रजनी राणी धरी कला बेश। तो जिते बिले सूर्य अस्त हो जाती पश्चिम दिगरे तो पश्चिम दिगरे सूर्य अस्त हो गला परे दिनटी सरी जाए आउ दिनटी सरी गले राति आसी जाए। राति केमती आसे रजनी राणी रजनी बिले होची राति तो से रजनी राणी कला बेश धारण करी पृथ्वी को आसी था अर्थात जिते बिले सूर्य अस्त हूँ अस्त हेला परे राति हुए आउ से रजनी कला बेश धारण करते आपण मैं देखि थे राति केमती देखा जाए अंधार देखा जाए ना नहीं हाँ अंधार देखा जाए। संध्या हेला बोली पक्षी गण राव दे जे जावा से करती गमन। तो पाने देखु जिते बिल सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हो जाती तो अस्त हो गला पक्षी मैंने जापारती संध्या समय आसीगला। तो पक्षी माने कौन करती ना जिते बिल सका थाए सका से निजर खाद्य संग्रह करने से माने दूर दूरात को उड़ी जाती था आते बिल संध्या हुए संध्या हुए संध्या केते बिल हुए ना जिते बिल सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हो जाती अस्त हो गला संध्या हो जाए। तेणु कवि कौन कहते ना संध्या हेला बोली पक्षी गण राव दे जे जावा से करती गमन। राव बेले हूँ पक्षीर राव पक्षी मैंने कांदी था कि ना तो सेटा हूँ पक्षीर राव। तो पक्षी मैंने कौन करती ना जिते बिल संध्या हो जाए संध्या हो गला परे परे पक्षी मैंने राव करी निज बसा को फेरी आसी था जे जा मान जे जहाँ बसा को फेरी आसी था। धूलि उड़ाइण दांडे करी हंबा रड़ी जाऊ छंती गोरु पल गोठरु बाउड़ी
हल काम सारी चषा महा आनंद रे नाना रंग गीत गाई बाहुड़ घरे। तो पिला माने एठी मधुसूदन राव का वर्णना केमती है देखंतु। तो मधुसूदन राव वर्णना करछंती ना जेतेबेले संध्या हे जाइछि तो संध्या हेला परे जेमती पक्षी माने निज निज बसा को पळे आसिले तो ठीक सही परे गाई गोरु माने मध्य चरिबा को जाइथिले। आ जेतेबेले संध्या हेछि तो संध्या हेला परे से माने दांडरे धूली उड़ाई आसिले हंबारड़ी छाड़ी छाड़ी हंबारड़ी माने गाई गोरुंकर रावटा जोटा जमती बोबई थांती सेटा को हंबारड़ी कहुछि। तो हंबारड़ी देखी से माने दांडरे धूली उड़ेगी घर को पळे आसंती। आ कोन कहिसंती ना जाऊछंती गोरुपल गोठरु बाहुड़ी गोठरु गोरुपल जाऊछंती कुआडे जाऊछंती ना निज बसा को फेरुछंती से माने हल काम सारी चषा महा आनंद रे नाना रंग गीत गाई बाहुड़ घरे। तो पिला माने एठी मधुसूदन राव कौन कहिसंती ना जेतेबेले संध्या हे जाए तो संध्या हेगला परे जेमती पक्षी गाई गोरु समस्त जेमती निज निज घर को फेरी आसी थांती तो ठीक से हीपरी चषा चषा बेले होची चासी चासी कौन करे ना ता हल काम सारिकी ता जमी काम सारिकी से महा आनंद रे घर को फेरी आसे बाहुड़ी माने फेरी आसी बटे हल काम सारी चषा महा आनंद रे नाना रंग गीत गाई बाहुड़ी घरे। तो कवि वर्णना अनुसार जेतेबेले संध्या हे जाए संध्या हेला परे चासी भाई निजर काम सारिकी महा आनंद रे विभिन्न प्रकार गीत गाई गाई घर को फेरी आसी थाए बुझेला तापर देखिबा कौन कहिछंती चाहू चाहू अंधकार घोटई गगन आवरई जल स्थल पर्वत कानन रत्न दीपावली प्राय तारा कोटि कोटि जलुछंती आकाशरे होई गोटी गोटी। तो पिला माने एटी कवि कौन वर्णना करछंती ना चाहू चाहू अंधकार घोटई गगने आबरई जलस्थल पर्वत कानन कानन बोले होची जंगल। तो एटी कवि वर्णना करछंती जेते बेले संध्या हेगला परे परे देखु देखु कौन हे जाइछि ना अंधकार घेरी जाइछि कौटी ना आमर चारियाडे जलस्थल पर्वत कानन सबुपटे अंधकार घेरी जाइछि। तापर कौन है देख रत्न दीपावली प्राय तारा कोटि कोटि जलुछंती आकाशरे होई गोटी गोटी। तो पिला माने कवि एठी वर्णना करछंती जे आकाशरे केतोटी तारा अछंती ना कोटि कोटि तारा अछंती एतिकी तारा अछंती जहाँ को आम गणी पारिबो नहीं। तो एमान देखिथिब रातिरे आकाश को चाहिबो केतोटी तारा देखि पारिबो असंख्य जोटा को आम गणी पारिबो नहीं। तेणु कवि कहिछंती कोटि कोटि तारका गण जेतेबेले संध्या हेकि राति हेगलाणी बा आमर जेमती चारिपटे अंधकार घेरिगलाणी तो सेही समय रे तारा माने आकाशरे जलुछंती दीप परे दीपावली दिन जेमती समस्तंक घरे दीप जळी थाए केमती सुंदर आलोकित देखिजि थाए तो ठीक सेही परे आकाशरे मध्य दीपावली रो दीप परे अंधार रे तारका माने जलुछंती। तो पिलामान देखंतु पुणी कवि कौन कहिछंती भांगी जाय अछि एबे दिवस गहळ नाहि आउ ए भुवने जीवन चहळ दिन श्रम अन्ते बसि निज निज घरे विश्राम लोडंती सर्वे आकुल अंतरे धीरे आसु अछि निद्रा नर नारी गण ताहार परसे एबे मुदिबे नयन। तो पिलामान देखंतु एठी कवि कौन सब वर्णना करछंती ना भांगी जाए अच्छी एबे दिवस गहल नाही आउ ए भुवने जीवन चहल। तो भांगी जाए अच्छी एबे दिवस गहल दिवस बोले होची दिन तो दिनटा भांगी गलाणी माने दिनटा सरी गलाणी तेणु कौठी मध्य गहल चहल करूनाहांती लोके समस्ते कौन करछंती ना समस्ते सोइछंती नेकी। तो सेटा परवर्ती लाइन रे अच्छी देखंतु जे दिवसटा भांगी जाइछि दिवसटो भांगी जाइछि आउ ए भुवन माने पृथ्वी ए पृथ्वी रे जीवन चहल आउ कोठी करूनाहांती अर्थात बाहरे केही मध्य सेमती बुला चला करूनाहांती सबुठी सुनसान पूरा पृथ्वीटा स्थिर होइ जाइछि सते जेपरे केही एठी नाहांती स्तब्ध पूरा ए पृथ्वीटा
ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଶ୍ରମ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସର୍ବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଦିନ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମଟା ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କହିଲା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ବିଶ୍ରାମ କରିଥିବେ, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ କଥା। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦିନଟା ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିକି ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ସମସ୍ତେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀ ଗଣ, ତାହାର ପର ସେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ତ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ 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 ନିଦ୍ରା ଆସିଯାଉଛି। ନିଦ୍ରା ବେଳେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉ, ନିଦ୍ରା ଆସିଲେ ଆମେ ଶୋଇଥାଉ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଝୁମରା ବୋଲି କହିଛୁ, ନାଇଁ କି? ତ ପିଲାମାନେ ନିଦ୍ରାଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ନରନାରୀ ଗଣମାନଙ୍କୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ନିଦ୍ରାଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏବେ ନରନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ମୁଦିବେ ନୟନ। ନୟନ ବେଳେ ହେଉଛି ଆଖି, ମୁଦିବେ ବୋଲେ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକିରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ ସରିଗଲା। ଯଦି କେଉଁ ମାନେ ପଦଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଳିନୁଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।